हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का अपना टॉपिक है गैस कटिंग सेट का इंस्पेक्शन कैसे करें। गैस कटिंग सेट में एक सेफ्टी ऑफिसर क्या क्या चेक करेगा, आज हम उसके बारे में बताएंगे विथ चेकलिस्ट। पहले हम चेकलिस्ट भी बताएंगे, चेकलिस्ट के साथ साथ हम 1, 2, 3, 4, 5 करके हम पूरा एक एक पॉइंट चेकलिस्ट के सारे, पहले चेकलिस्ट बताएंगे फिर ये एक पॉइंट कवर करेंगे। तो इसके सारे चेकलिस्ट के सारे हम गैस कटिंग सेट का क्या क्या हम इंस्पेक्शन करेंगे, एज ए सेफ्टी ऑफिसर क्या क्या हम चेक करेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो अगर आप पूरे देखते हैं तो गैस कटिंग सेट इंस्पेक्शन आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, हम की और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। चेकलिस्ट फॉर इक्विपमेंट इंस्पेक्शन, चेकलिस्ट क्या है इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के लिए। चेकलिस्ट प्रोजेक्ट नेम, चेकलिस्ट नंबर, मेक किसके द्वारा है, क्लाइंट है कि हायर है कि कॉन्ट्रेक्टर है, डेट डालेंगे। और यहाँ पे ये चेकलिस्ट हम देख रहे हैं गैस कटिंग सेट, गैस कटिंग सेट के लिए चेकलिस्ट है। इसमें यस और नो क्या क्या क्रिटेरिया, क्या क्या चीज़ हम चेक करें, अगर सही है तो यस, सही नहीं है तो नो हम कर देंगे, रिमार्क्स में डाल देंगे कि क्या क्या इसमें गलत है, वो रिमार्क्स में हम पुट कर देंगे कि ये कमी है इस गैस कटिंग सेट में। तो अभी हम चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर में हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। एक नंबर में देख रहे हैं सिलेंडर शुड बी केप्ट इन ट्रॉली। सिलेंडर क्या है, हमेशा गैस कटिंग सेट का जो सिलेंडर है वो हमेशा ट्रॉली में होना चाहिए। सेकेंड में हम देख रहे हैं ऑलवेज कीप इन अपराइट पोजिशन, हमेशा सिलेंडर को क्या रखना है ना, सीधे कंडीशन में सीधा खड़ा करके रखना। थर्ड में प्रॉपरली सिक्योर्ड, बढ़िया से ट्रॉली में बांधा हुआ होना चाहिए चैन के सहारे, चैन से हमेशा क्या सिलेंडर बांधा हुआ होना चाहिए। फोर्थ में हम देख रहे हैं वाल्व प्रोटेक्शन कैप, वाल्व प्रोटेक्शन कैप हमको चेक करना था। हम यहाँ पे देख रहे हैं चार पॉइंट, देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये फोर जो है हम इमेज में अभी देखते हैं क्या क्या हम चेक किए हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है, इसका फिजिकल कंडीशन पूरा चेक करना है। सेकेंड में क्या है, ट्रॉली अपराइट कंडीशन में हमेशा सीधा होना चाहिए, सीधा एकदम रखना है। थर्ड में क्या है, ये ट्रॉली चैन से बांधा हुआ होना चाहिए, ट्रॉली थर्ड में क्या है चैन से सिक्योर होना चाहिए, हमेशा ये लॉक होना चाहिए ट्रॉली कि यहाँ से गिरे नहीं। फोर्थ में हम देख रहे हैं कैप, जो बाल्ब कैप है ना, ये कैप हमको देखना है, कैप हमेशा होना चाहिए, ये बाल्ब को प्रोटेक्ट करता है। तो चार यहाँ पे क्रिटेरिया चेकलिस्ट का पूरा हुआ। फिफ्थ नंबर, रेगुलेटर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, रेगुलेटर क्या है हमेशा कोई भी डिफेक्ट उसमें नहीं होना चाहिए, बढ़िया होना है। सिक्स में प्रेशर गेज शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन, प्रेशर गेज जो होता है कितना हम गैस ऑक्सीजन लेते हैं, कितना हम डीए और ऑक्सीजन से गैस कटिंग सेट करते हैं, तो दोनों का प्रेशर गेज बढ़िया होना चाहिए, अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। सेवन में हम देख रहे हैं प्रोवाइड फ्लैशबैक अरेस्टर, फ्लैशबैक अरेस्टर उसमें प्रोवाइड करना है। एट में प्रोवाइड इंडस्ट्रियल क्रीप, इंडस्ट्रियल क्रीप देना है। नाइन में होस कंडीशन शुड बी गुड विथ कलर कोड, होस कंडीशन शुड बी बढ़िया होना चाहिए और कलर कोडेड होना चाहिए, एक ब्लू होना चाहिए और दूसरा रेड होता है। ब्लू हम ऑक्सीजन में इस्तेमाल करते हैं और रेड डीए में, डिजोल्व एसिटिलीन डीए में हम रेड इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी कलर कोडेड होना चाहिए और बढ़िया कंडीशन में होना चाहिए। दस, ज्वाइंट शुड बी फर्म एंड फ्री फ्रॉम डिफेक्ट वाइली रस्ट एंड लीकेज, कोई भी ज्वाइंट जो भी है वो लीकेज से बचा हुआ होना चाहिए, उसको चेक करना है और कोई भी डिफेक्ट उसमें नहीं आना चाहिए। 11, टॉर्च शुड बी इन गुड कंडीशन, टॉर्च शुड बी गुड कंडीशन होना चाहिए, अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। 12 में यूज प्रॉपर पीपी इसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जो जॉब में इस्तेमाल, लेदर हैंड ग्लोव्स, सेफ्टी गोगल्स, ये होना चाहिए। 11 में कीप फायर एक्सटिंग्विशर एट वर्किंग प्लेस, फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ होना चाहिए। 14 में प्रोवाइड बूथ में भी फायर रिटार्डेंट मटेरियल इफ रिक्वायर्ड, बूथ भी देना है, अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में है, डायरेक्ट सनलाइट में हम रखे हैं सिलेंडर को, तो उसको ऊपर से फायर ब्लैंकेट से कवर करके रखना है। वर्क कैरिड आउट बाई कॉम्पिटेंट पर्सन, हमेशा गैस कटिंग कोई जो एक्सपीरियंस बंदा है, जिसके पास एक्सपीरियंस है गैस कटिंग का, वही हमेशा गैस कटिंग सेट में इंगेज होगा। अभी हम इमेज में ये पॉइंट सब देखते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। ये होस का कंडीशन है, एक ब्लू है एक रेड है, ये सिलेंडर का कलर है, ये प्रेशर गेज है, अच्छे कंडीशन में होना चाहिए यहाँ प्रेशर गेज, ये टॉर्च है, टॉर्च का कंडीशन भी बढ़िया कंडीशन में होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल क्लिप होस को टाइट करने के लिए, यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्लिप जो होता है उससे हम टाइट करेंगे, वो होना चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो हम चेक करते हैं, यहाँ पे होस डैमेज नहीं होना चाहिए, अच्छे कंडीशन में होना चाहिए,
ये दोनों का प्रेशर ही एनआरवी फ्लैश बैक अरेस्टर, ये जो है ना ये फ्लैश बैक अरेस्टर है, दोनों साइड में फ्लैश बैक अरेस्टर होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट आपको गैस कटिंग सेट में चेक करना है, और ये सब अगर जब बढ़िया से है तो गैस कटिंग सेट हम जॉब चालू करने के लिए अलाउ करेंगे।